तो गुजरात में बिपरजॉय तूफान के बाद कई जिलों में तेज हवाओं और भारी बारिश की वजह से भारी नुकसान पहुंचा है। मांडवी में जगह जगह जल भराव देखने को मिला और जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत खतरनाक है। गुजरात के कच्छ की तस्वीरें देखिए, कच्छ और सौराष्ट्र ये वो इलाके हैं, वो जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लेकिन आम लोगों की परेशानी कैसे बढ़ी है वो इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आएगा। सड़कें अब यहाँ पर नजर ही नहीं आ रही, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। अब ऐसे में वो लोग जो जिनकी जिंदगी अब पटरी पर तो लौट रही है, लेकिन अभी भी वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि घुटनों तक यहाँ पर पानी भरा हुआ है। हालांकि अब जल्दी से जल्दी कैसे ये सब कुछ ठीक किया जाए इसकी कोशिश की जा रही है, लेकिन जगह जगह आपको नजर आएगा टिन शेड कहीं पर गिरे हुए हैं, जो बड़े बड़े पेड़ थे वो भी यहाँ पर उखड़ चुके हैं। और उधर गुजरात के द्वारका में बिपरजॉय तूफान के गुजर जाने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री हर्ष सिंह भी द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे और आपदा प्रभावित इलाकों के लिए सलामती की प्रार्थना की। और गुजरात में बिपरजॉय तूफान के गुजर जाने के बाद एक बार फिर से जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। भीषण तूफान का प्रभाव खत्म होने के बाद द्वारकाधीश मंदिर के कपाट खोल दिए गए। इस मौके पर गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंह भी मंदिर में दर्शन पूजन करने पहुंचे और आपदा प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव के काम की जानकारी दी। सरकार और सरकार की पूरी टीम इस पे ग्राउंड जीरो पे काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भयंकर तूफान से गुजरात में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि तूफान प्रभावित द्वारका, कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों से पहले ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका था। इस बीच गुजरात के कच्छ में नलिया में बिपरजॉय तूफान के टकराने के बाद तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश हुई। नलिया के सभी इलाकों में तूफान का असर कई घंटे बाद भी बना रहा और इस तूफान की वजह से इतनी तेज हवाएं चली कि कई जगहों पर बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। बिजली के कई खंभों पर भी तूफान की मार पड़ी, जिसके बाद राहत और बचाव दल की कई टीमें उन पेड़ों और बिजली के खंभों को हटाने में जुटी रहीं। कुछ पेड़ तो मकानों और दुकानों पर भी गिर गए थे, लेकिन तेज हवाओं की वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को उन्हें हटाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। अभी जो गस्टिंग स्पीड के साथ बताया जा रहा है 80-90 की रफ्तार है यहाँ पर। हालांकि बिपरजॉय तूफान के नलिया पहुंचने से पहले ही प्रशासन ने वहां धारा 144 लागू कर दी थी। इसके साथ ही लोगों को घरों में रहने की सख्त हिदायत भी दी गई थी। इसी वजह से तूफान के अगले दिन भी लोग बाहर नहीं निकले क्योंकि चक्रवाती तूफान से गुजरात के कई जिलों में ऐसी भीषण तबाही मचाई कि लोगों के होश उड़ गए। एनडीआरएफ ने जानकारी दी कि तूफान की वजह से 23 लोग जख्मी हो गए, जबकि तूफान आने से पहले पोरबंदर और राजकोट में 2 लोगों की मौत हो गई। एनडीआरएफ ने बताया कि बिपरजॉय तूफान ने गुजरात के 8 जिलों में तबाही मचाई। इस दौरान भारी बारिश और तेज हवा की वजह से वहां 800 से ज्यादा पेड़ गिर गए। तूफान की वजह से करीब 300 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे 1000 गांवों की बिजली गुल हो गई। तेज हवा और भारी बारिश की वजह से गुजरात के 8 जिलों में 500 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 23 लोग घायल हुए हैं। घरों के डैमेजेस की बात करें तो 500 से अधिक घर डैमेज हुए। हालांकि राहत और बचाव की टीमें तूफान प्रभावित इलाकों में मुस्तैद दिखी। हालात खराब होने के बावजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने लोगों का रेस्क्यू किया। और गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने दावा किया कि बिपरजॉय तूफान के गुजर जाने के बाद कच्छ में अभी हालात सामान्य होने में समय लगने वाला है, खास तौर पर बिजली की समस्या से निपटने में ज्यादा वक्त लगेगा। और बिपरजॉय तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित कच्छ में तेज हवाओं की वजह से बिजली विभाग को काफी नुकसान हुआ। प्रदेश के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने ये बताया कि प्रदेश में बिजली के हालात सामान्य होने में अभी समय लगेगा क्योंकि 84,000 से ज्यादा पोल गिर गए और कई सबस्टेशन भी क्षतिग्रस्त हुए। पूरा सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी का अभी पूरी तरह से डैमेज हुआ है। इन सभी को जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए बिजली विभाग के कर्मचारी युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। तूफान की वजह से गुजरात के द्वारका में समंदर किनारे के गाँव में पानी भर गया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद न्यूज 18 की टीम ने प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों से उनका हाल जाना और कमर तक भर चुके पानी में फंसे लोगों से बातचीत की। यहाँ पे ये सब रहते थे, यहाँ डूब गए, वहाँ पे गए। अच्छा, सामान ले गए थे अपना? नहीं, सामान सब चला गया। पानी में डूब चुके रास्तों से बड़े लोग तो किसी तरह निकल रहे थे, लेकिन छोटे बच्चों के लिए मुसीबत ज्यादा थी। छोटे बच्चों को पानी से बाहर निकालने के लिए लोगों ने प्लास्टिक की टंकी को काट कर नाव बना दी। इनको टंकी में बिठाया गया था क्योंकि नाव तो नहीं आ सकती और बच्चे कैसे चलेंगे। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि बारिश का पानी उनके घरों में घुस गया, जिसकी वजह से उनके कपड़े और खाने पीने का सामान पूरी तरह भीग गया। हालांकि तूफान गुजरात से आगे तो बढ़ गया, लेकिन अपने पीछे जगह जगह बर्बादी के निशान छोड़ गया। बिपरजॉय की वजह से कच्छ के मांडवी में कई जगह पेड़ गिर गए और मांडवी से मुंद्रा और आगे भुज की तरफ जाने वाली एक सड़क भी तूफान की वजह से गिरे पेड़ों से पटी नजर आई। ऊंचे ऊंचे भारी भरकम पेड़ बिपरजॉय से बराबरी नहीं कर सके और औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े। इस वक्त तक तूफान खत्म हो चुका था, लेकिन उसका असर खत्म नहीं हुआ था। हालांकि तूफान चला गया, लेकिन तूफानी हवाएं और बारिश हम सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं,
इस वजह से पेड़ हटाने में भी दिक्कत हुई। कुछ गाड़ियों को रास्ता साफ होने का इंतजार करना पड़ा। आसपास के लोगों ने जब पेड़ हटाए तब गाड़ियां आगे बढ़ सकी। तूफान बिपरजॉय के गुजर जाने के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में बैठक की, जहां उन्होंने चक्रवाती तूफान के दौरान हुए नुकसान के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से उनके जिले के हालातों के बारे में जाना। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव समेत सभी विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री को पोरबंदर, देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, राजकोट और गिर सोमनाथ जिलों में गिरे पेड़ों और बिजली के खंभों की मरम्मत के संचालन के बारे में भी बताया गया। उत्तर गुजरात में तूफान से निपटने के लिए NDRF, SDRF और सेना ने मोर्चा संभाल लिया। तूफान के गुजर जाने के बाद अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। सड़क पर गिरे पेड़ों को NDRF और SDRF की टीमें कटर मशीन से काट कर हटाती दिखी और रास्ता साफ करती नजर आई। तूफान के दौरान कच्छ जिले में भुज लखपत रोड पर एक भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिसे NDRF की टीम ने कटर मशीन से काट कर हटाया। कच्छ जिले में पेड़ गिरने से बंद पड़े रास्तों को खोलने में NDRF के साथ फायर ब्रिगेड की टीम को भी लगा दिया गया। वहां सड़क पर गिरे बड़े पेड़ों को हटाने के लिए मिट्टी खोदने वाली मशीन की मदद लेनी पड़ी। JCB से अभी फिलहाल ट्री फॉल के जो केसेस है उसके पेड़ हटाने की कामगिरी JCB से चालू है। कुछ ऐसे ही हालात द्वारका जिले के रूपे बंदर में दिखे। तेज बारिश के बीच NDRF के जवान सड़क पर गिरे पेड़ को काट कर हटाते दिखे। इधर गुजरात को हिलाकर रख देने वाले इस तूफान का असर राजस्थान से लेकर दिल्ली NCR में भी दिखना शुरू हो गया। तूफान की वजह से राजस्थान में जमकर बारिश हुई और मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार तक उत्तर भारत में बिपरजॉय की आहट महसूस होती रहेगी। अनुमान है कि 18-19 जून तक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में सामान्य से तेज हवा चल सकती है और हो सकता है कि बारिश भी रुकने का नाम न ले। राजस्थान के कई हिस्सों में भी हवा की रफ्तार बनी रह सकती है और वहां भी बादल खूब बरसेंगे। राजस्थान और गुजरात का पड़ोसी मध्य प्रदेश भी तूफान के असर से अछूता नहीं रहने वाला। मौसम विभाग का अंदाजा है कि वहां आंधी आ सकती है और तो और वहां बिजली गिरने की भी आशंका है। वहां की राजधानी भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, सागर और छतरपुर जैसे कई इलाकों में लोगों को खराब मौसम से जूझना पड़ सकता है। चंबा हत्याकांड मामले में लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब जिले के अन्य इलाकों में भी इसको लेकर प्रदर्शन होना शुरू हो चुका है। हत्याकांड को लेकर शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि वो हत्याकांड मामले को BJP राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के सामने उठाएंगे। इस मामले को लेकर हम SC कमीशन में भी इस बात को उठाएंगे। सुरेश कश्यप ने हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए राज्य सरकार को घेरा और प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराने का दावा किया। बीच हिमाचल प्रदेश के चंबा में हुई एक हिंदू लड़के की हत्या के बाद वहां सियासी बवाल शुरू हो गया। चंबा में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना देने के लिए निकल पड़े। वहां 9 जून को मनोहर नाम के एक लड़के का शव 7 टुकड़ों में मिला था और इस हत्या का आरोप एक मुस्लिम परिवार पर लगा। इस घटना के बाद से ही वहां तनाव बना हुआ है और कार्रवाई की मांग कर रहे लोगों की अगुवाई के लिए हिमाचल में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर चंबा पहुंच गए। वो वहां अपने साथ BJP के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को लेकर चंबा के कलेक्टर के दफ्तर के बाहर धरना देना चाहते थे। हालांकि उन्हें रास्ते में रोक लिया गया, जिसके बाद वो वहीं पर बैठ गए और वहां राम कीर्तन करने लगे। आरोप है कि वहां 7 जून को एक हिंदू लड़के को मारकर उसके शरीर के 7 टुकड़े कर दिए गए थे, जिसका इल्जाम उस मुस्लिम परिवार पर लगा जिनकी बेटी के साथ उस लड़के का प्रेम प्रसंग बताया जाता है। इस घटना के बाद चंबा में लोग आग बबूला हो गए, यहां तक कि उन लोगों ने आरोपियों के घर को भी आग के हवाले कर दिया।